हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बनने वाले हैं वैम्पायर किलर और हम भी नोबिता की मदद करेंगे और जो वैम्पायर ज्यादा बनेगा उसको उसकी नानी याद दिलाएंगे। अरे ये देखो दोस्तों, हमारा एरिया कुछ इस तरह का होगा। अरे यार, हमको तो एजेंट की तरह ब्लैक ड्रेस दे रखी है और हमारे हाथ में गन भी है, तो चलो देखो यहाँ पे तो गन मशीन भी है, मतलब हम बाद में गन मशीन भी खरीद सकते हैं। वो चैंग तुमने बिल्कुल सही कहा, चलो हम पूरा का पूरा रूम चेक कर लेते हैं। अरे ये देखो, यहाँ पे एक नया एरिया भी खोल सकते हैं, लेकिन हमें उसके लिए पैसों की जरूरत होगी। और ये देखो, यहाँ से पूरा कवर है, मतलब पीछे से वैम्पायर नहीं आ सकते। और ये हमारे पास छोटे मोटे गेट है, चलो गेटों को भी चेक कर ले। हाँ बेवकूफ नोबिता, तुम तो यही काम करोगे, लेकिन मैं तो इंतजार कर रहा हूँ कि यहाँ पे वैम्पायर आए और हम उनका कचूमर बनाए। हाँ जियान, शैतान का नाम लिया और शैतान आ चुके हैं। चलो जियान, ये बंदूक हमारे पास है, चलो धड़ 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 गोली मारते हैं और इन वैम्पायर को बताते हैं कि आज इनका पाला किसी छोटे मोटे हीरो से नहीं पड़ा, हमारे से पड़ा है। अरे ये देखो, ये वैम्पायर है कि क्या है, ये तो मरते ही नहीं है। और ये देखो, मरने के बाद तो इन्होंने हमें काफी सारे सिक्के भी दे दिए हैं। लगता है जियान हमें सिक्कों की जरूरत है, तभी तो हम अपना एम्पायर बना सकते हैं, काफी बड़ा सारा। हाँ सुनियो, तुमने बिल्कुल सही कहा, हमारे पास जितने सिक्के होंगे हम अपना एरिया उतना बड़ा कर सकते हैं। तो चलो, इंतजार किस चीज का है, जल्दी जल्दी सिक्के उठा लेते हैं, कहीं वैम्पायर ना आ जाए, क्योंकि वैम्पायर आ जाएगा तो हमें उन्हें मारना पड़ेगा, तब तक हम अपना सब कुछ रेडी कर लेते हैं। अरे दोस्तों, तुमने जितने पैसे उठाने थे उठा लिए, अब हम ऐसा करते हैं इस गेट को रिपेयर कर लेते हैं, क्योंकि हम जितना इस गेट को रिपेयर करेंगे हम उतने ही सेफ रहेंगे। ये देखो, गेट सेफ हो गया और हम और गेट भी चेक कर लेते हैं, कहीं वैम्पायर दूसरे गेट से ना आ जाए, क्योंकि हमारे पास तो काफी सारे गेट है। और ये देखो यहाँ पे कुछ, अरे बाबा रे, ये देखो हमारे पास यहाँ पे एक फर्स्ट एड बॉक्स भी खुल गया है, मतलब हम अपना इलाज भी करा सकते हैं। हाँ नोबिता, तुम जैसे नालायक के लिए तो यहाँ फर्स्ट एड बॉक्स बनाना ही था, अगर मैं होता तो मैं इसको कभी ना बनाता, लेकिन तुम इतने कमजोर हो कि क्या करे। चलो एक बार इसे चेक कर लेते हैं कि इसके अंदर क्या क्या पड़ा है। अरे वाह, इसके अंदर तो काफी सारा सामान पड़ा है, तो हम इसको चेक कर लेते हैं कि ये हमारे काम आने वाला है या फिर यहाँ पे कुछ ऐसे वैम्पायर आने वाले हैं जिनका हम इलाज भी कर सकते हैं। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, चलो बाहर जाके होल सामान चेक करते हैं। अरे एक मिनट, ये देखो दोस्तों, यहाँ पे तो ओमो का डब्बा पड़ा है, मतलब कि हमारे पास गन्स का भी डब्बा है, हम इसे खरीद सकते हैं, लेकिन अभी नहीं, जब हमारे पास पैसे होंगे। और ये देखो, इसके अंदर तो काफी सारी गन है, मतलब अभी हमारे पास जो उनसी गन पड़ी है ये तो काफी सस्ती है और बड़ी बेकार सी है। हमें यहाँ पैसे कलेक्ट करने हैं और सबसे अच्छी गन खरीदनी है, जिससे हम वैम्पायर को 2 सेकंड में मार सकते हैं। जियान तुमने बिल्कुल सही कहा, लेकिन तुम्हारे होते हुए हमें गन की जरूरत नहीं है, अगर जियान का बस चले तो वो तो अपने डोले सोले से इन वैम्पायर को मार देगा। हाँ सुनियो, अरे एक मिनट दोस्तों, ये देखो यहाँ पे एक लड़का खड़ा है जिसे हम अपनी टीम में ले सकते हैं। अरे ओ टकलू भैया, क्या तुम हमारी टीम में आओगे, वैम्पायर का सर्वनाश करना है। हम यहाँ के एक एजेंट बन रखे हैं, तो तुम भी हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर लो, हम तुम्हें अच्छी तनख्वाह देंगे। तुम यहाँ खड़े होके क्या कर रहे हो, हमारे साथ अगर देश की रक्षा करोगे, वैम्पायर से सबको बचाओगे, तो तुमको शाबाशी मिलेगी। अरे वाह, ये देखो, अरे ये तो नाचने भी लग गया। अरे भैया इतना डांस ना करो, यहाँ पे कोई पार्टी नहीं चल रही है, यहाँ पे हमने वैम्पायर से लड़ना है। अरे देखो ये तो अब सीरियस होके हमारे पीछे आ रहा है, चलो इसको अंदर ले चलते हैं रूम में। और हाँ, इसको पहले ठीक कर लेते हैं, यार यहाँ पे दीवारें तोड़ रखी है, क्या पता वैम्पायर कहीं भी आ जाए तो हमको तैयार होना पड़ेगा। अरे ये देखो, नाम लिया और वैम्पायर आ गए। अरे वाह, ये फौजी तो हमारी पूरी पूरी मदद कर रहा है, चलो जल्दी मारना पड़ेगा। अरे ये देखो, ये सब तोड़ के अंदर ही घुसी जा रहे हैं, लगता है इनके अंदर पावर काफी सारी हो गई है। पिछली बार तो थोड़े कमजोर थे, लेकिन इस बार तो माशाल्लाह ये तो काफी ज्यादा डेंजर हो चुके हैं। क्या हुआ नोबिता, मुझे तो लगता है तुम्हारी पैंट गीली होगी जैसे कि हमेशा होती है, तुम इतने डरपोक क्यों हो नोबिता, थोड़ा बहुत बॉर्नविटा वगैरह पिया करो जैसे कि मैं पीता हूँ, और मेरी बॉडी देखो कितनी स्ट्रांग है, मैं इन वैम्पायर से डरता नहीं हूँ, बल्कि मुझे तो इनके साथ लड़ने में काफी मजा आता है। और ये देखो, ये आखिरी का राजा हमने लुढ़का दिया, मतलब कि हम यहाँ पे एक स्टेज पार के। और ये देखो, हमारा यहाँ पे साथी तो पूरा का पूरा थक चुका है, पहले हम अपना इस रूम को ठीक कर लेते हैं जितने भी यहाँ पे खराब हुआ है सामान। हाँ जी हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, हम यहाँ पे पहले अपना सारे के सारे दरवाजे ठीक कर लेते हैं, क्योंकि अगर दरवाजे ठीक नहीं हुए तो वैम्पायर हमें आसानी से मार देंगे। ये देखो, हमारे तीनों के तीनों दरवाजे तो उन्होंने तोड़ दिए मिनट में। और हाँ ये देखो, हमें यहाँ से अपने गन वगैरह को भी अपडेट करना पड़ेगा, क्योंकि गन है तो फिर हम तभी बच पाएंगे।
करेंगे। तो चलो दोस्तों, अब हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पे अपने गन को बढ़ा देते हैं। अरे ये देखो, यहाँ पे मिसाइल गन है। अरे ये देखो, हम यहाँ पे मिसाइल गन ले सकते हैं। तो चलो इसको बनाने की प्रतिक्रिया को शुरू करते हैं। हाँ नोविदा, मेरे को तो लगा तुम थोड़े डफर होंगे, लेकिन आज तुमने काफी अच्छी बात करी। तो दोस्तों, अगर तुम्हें नोविदा की बात सही लग रही है तो वीडियो को लाइक करो। तब तक हम अपने यहाँ पे गन मशीन को बनाते हैं। और ये देखो, एक गन मशीन यहाँ बन गई है। अरे भाई साहब, ये देखने में तो कितनी भयंकर और कितनी शानदार लग रही है। हाँ जी हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। हमने एक गन तो अपने यहाँ पे बना ली है, देखो हमने दूसरी बना ली, और हमारे तीनों के तीनों यहाँ पे गन मशीन तैयार है। अरे भाई साहब, अब तो ये वैम्पायर का सर्वनाश कर देगी। क्यों जी हाँ, तुम्हारा आइडिया तो बिल्कुल सही था। और ये देखो, हमारे पास हमारा फौजी भी है, मतलब कि अभी हम दो बंदे हैं और हमारे पास तीन मिसाइल गन है, तो अब वैम्पायर हमारा कुछ भी नहीं उखाड़ सकती। और ये देखो, हमने यहाँ पे अपनी मशीन को अपडेट कर। हाँ सुनियो, तुमने बिल्कुल सही कहा, हमने यहाँ पे अपने मिसाइल गन को अपडेट कर दिया है। और ऐसा करते हैं, अब हम अपनी गन को भी यहाँ अपडेट कर देते हैं। अभी हमारे पास पहले नंबर वाली गन है, और हमको यहाँ पे तीसरे नंबर या चौथे नंबर वाली गन लेनी पड़ेगी। मैं तो चाहता हूँ, हमारे पास इतने सारे पैसे हैं तो क्यों ना हम अपनी चौथे नंबर वाली गन ले ले। और ये देखो, हमारे पास कितनी बड़ी गन आ चुकी है। पहले के मुकाबले तो ये उससे 4-5 गुना ज्यादा बड़ी है। मतलब अब वैम्पायर की खैर नहीं, उन्हें नहीं पता कि यहाँ पे जियान है। और जियान इतने भारी भारी गन अपने पास रखेगा कि वैम्पायर भी सोचेंगे कि हाँ कोई मिला था। और ये देखो, हमारा साथी बाहर खड़ा है, तो चलो दोस्तों इसे भी अपनी गैंग में ले लेते हैं। अरे भाई साहब, डांस बाद में करियो, पहले तू हमारी यहाँ पे मदद कर। तुमने बिल्कुल सही कहा, मुझे तो लगता है ये नोविदा का भाई है, उसी की तरह जो स्टूपिड है। अरे यहाँ डांस मत कर, हमारी हेल्प कर। अरे तुम बाहर घूम रहे हो और अंदर देखो कितने सारे वैम्पायर आ चुके हैं। जी यार, और सुनिए तो पता नहीं कहाँ कहाँ घूम रहे हैं पागलों की तरह। और ये देखो, यहाँ पे कितने सारे वैम्पायर आ गए। अरे भाई साहब, ये तो हमारे आर्मी ऑफिसर को मार देंगे। अरे पीछे आ जा भाई, क्यों आगे जा रहा है। और ये देखो, ये तो मर ही नहीं रही है। हमने इतनी बड़ी मिसाइल गन भी ले ली, फिर भी ये मर ही नहीं रही है। लेकिन एक बात तो है, इनके पास से कितने सारे सिक्के मिल रहे हैं, लेकिन ये तो खत्म ही नहीं हो रहे। अरे भाई साहब, हमने मार दिया, तो चलो हम तैयार है, अभी हम दोबारा से बुलाएंगे वैम्पायर को, क्योंकि जब भी हम इस बटन को दबाएंगे तब भी वैम्पायर आ जाएंगे। क्या कहा तुमने नोविता, क्या सुनियो और मैं यहाँ वहाँ बेफजूल में घूम रहे हैं? हम यहाँ पे अपना काम कर रहे हैं, और तुम भी अपना काम करो। सबको पता है कि तुम कितने डरपोक हो। और ये देखो, हमने यहाँ पे एक और रूम खोल लिया है। अरे भाई साहब, रूम के अंदर तो देखो एक रेडियो है, जो कि हमें बताएगा कि वैम्पायर कब आ रहे हैं। मुझे तो लगता है ये सबका बाप आने वाला है, मतलब कि यहाँ पे वैम्पायर का ड्रैगन आने वाला है। तो भाई साहब, सब तैयार रहो। अरे वो देखो, पीछे कितना बड़ा वैम्पायर आ चुका है, तो सब भाई अपनी कमर कस लो। अरे भाई, उन्होंने तो हमारा फौजी भी मार दिया है। अरे दोस्तों, वैम्पायर के अंदर तो काफी शक्ति आ गई है, और वो देखो इन सबका ड्रैगन भी कैसे लंगड़ा हो के हमारे पास आ रहा है। वो तो अच्छा हुआ हमने इतनी बड़ी गन ले ली, वरना ये सब तो हमारा बुरा हाल कर देते। चलो हम थोड़ा पीछे पीछे होके इन सबको मारते हैं, वरना ये तो हमें जान से खत्म ही कर देंगे। हम यहाँ वैम्पायर को मारने आए हैं, और पता चलता है कि हम ही वैम्पायर के शिकार हो गए हैं। अरे भाई साहब, ये ड्रैगन तो मर ही नहीं रहा है, पता नहीं कितना शक्तिशाली है। अरे हाँ वो चंग, तुमने बिल्कुल सही कहा, सारे के सारे वैम्पायर तो मर गए, लेकिन वैम्पायर का ड्रैगन तो अभी भी उछल कूद रहा है। चलो हम इसे आराम से मारते हैं और थोड़ा थोड़ा बाहर चलते हैं। अरे देखो, यहाँ तो सिक्के इतने सारे पड़े हैं, लेकिन अब हम सिक्के नहीं उठा सकते, क्योंकि हमको पहले ड्रैगन को मारना है। और हाँ, ये देखो, ये यहाँ पे मरने लगा। अरे वाह, हमने मार दिया।